गडरवारा के बिट्ठल भवन में विधायक मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप का ग्रैंड मर्चेंट एंड दाल मिलर्स एसोसिएशन के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर भव्य सम्मान किया गया। इस अवसर पर नरसिंहपुर जिले के व्यापारी बंधु उपस्थित हुए। मंच पर विराजमान कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, पूर्व विधायक साधना स्थापक, जिले के व्यापारी अध्यक्ष हंसराज मालपानी, ग्रैंड मर्चेंट एवं दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कीर्तिराज लुनावत एवं महेश मालपानी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा, व्यापारी वर्ग से देश की स्थिति मजबूत होती है, व्यापारी समाज की सेवा करता है। ग्रैंड मर्चेंट एंड दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कीर्ति लोनावत ने कहा, नगर में विकास के क्षेत्र में तीव्र गति से काम हो रहा है और व्यापारियों के द्वारा सम्मानित करते हुए हर्ष एवं खुशी हो रही है। व्यापारी वर्ग से महेश मालपानी ने कहा, गाडरवारा नगर इस समय तेजी से विकास कर रहा है, हम सभी को गौरव है। कार्यक्रम का सफल संचालन महेश मालपानी ने किया। इस तरह की कोई संगति नहीं आती, ये किसान के लिए सबसे सुखद और इसलिए किसान भी भरोसा करता। मैं सैकड़ों व्यापारी और हजारों किसानों को जानता हूँ जिनका बिना लिखा पढ़ी के साल भर लेनदेन चलता है और वो करते हैं। अभी मजाक कर रहा था धन्यवाद जी से, उसमें मध्य प्रदेश में हम लोग ऐसे छात्रावास तैयार करा रहे हैं जहाँ बॉयज के अलग छात्रावास, गर्ल्स के अलग छात्रावास, मुफ्त रहेंगे, खाने पीने का इंतजाम होगा, अच्छी पढ़ाई होती होगी। वनांचलों में अभी परसों में आया था, उसके आने के पहले 28-30 ऐसे जगह चिन्हित करके उसके हम लोगों ने आदेश दिए हैं। अपना जिला उसको शामिल नहीं है लेकिन जो वनांचल है उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ने चले जाएंगे तो काम कौन करेगा, तो उनकी भोजन की व्यवस्था, खाना पढ़ाई लिखाई सिलेबस सब कुछ फ्री में देंगे और बच्चों की माकूल परिस्थितियाँ दी जाए की सरकार चिंता करे। ऐसे अभी CM राइट्स में भी हम लोग का अवसर आया था, युवा मेरे पास था तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 280 के आसपास हम लोगों ने CM राइट्स निकाले थे। तो अपने जिले में भी 7-8 CM राइट्स में आए हैं, छोटे छोटे सेंटर जहाँ कोई सोच नहीं सकता था बम्होरी का। अब बम्होरी का नाम है जब 50 करोड़ का बहुत 10 एकड़ में बनेगा, वहाँ फुटबॉल का मैदान होगा, वॉलीबॉल खेलेंगे, स्विमिंग पूल होगा उस स्कूल के अंदर, बम्होरी जैसे चिचली साइकिला साले चौका तो ठीक है गाड़ा बोलिए पलोहा है हमारा पलोहा। अब पलोहा बनाते हम लोग जानते पलोहा बना और कर भैया साल में 4 पंचायत लेकर पलोहा के 2 साल लेकर तो पंचायत विवाद के लिए जाना जाने वाला है पलोहा। लेकिन वहाँ जब 50 करोड़ का एक स्कूल बनेगा, 10-15 किलोमीटर के बच्चे बसों में बैठ के आएंगे, शाम को घर जाएंगे, स्वाभाविक रूप से वहाँ के जीवन शैली वहाँ की बदल जाएगी। हम लोगों ने चिन्हित करके ऐसे एरिए जहाँ शिक्षा की कमी के कारण लोगों का जीवन नहीं उठ पा रहा, ऐसी जगहों पर शिक्षा भेजने का हम काम कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, 3 चीज़ें आदमी के जीवन की शैली में बदलती हैं। फोकस करके अभी छिंदवाड़ा के लिए मार गए जो लगभग 2-2.5 हज़ार की आबादी है उस पर सरकार 42 करोड़ रुपये खर्च करे। अभी सिग्नल लेन बना रहे हैं लेकिन भविष्य में उसकी प्लानिंग हमारी है कि उसको हम लोग टूलें और बड़ा मार्ग करेंगे तो सीधा छिंदवाड़ा, गाडरवारा से छिंदवाड़ा जाना है तो आप नरसिंहपुर होकर वहाँ नहीं जाओगे, आप सीधा बड़ा गाँव होकर निकल जाओगे उस पर छिंदवाड़ा से छोड़ सकते हैं। ऐसे ये चीज़ें क्या है जी प्रत्यक्ष रूप से लग रहा है कि बड़ा गाँव के अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ होगा लेकिन परोक्ष रूप से आपको भी लाभ होगा। अगर आप छिंदवाड़ा जा रहे हो और आपका जाने आने में 2000 का डीजल कम लगा तो ये भी आपका फायदा है। तो इन चीज़ों पर व्यवस्थित तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्र के लोगों ने बहुत बड़े मन से मतलब दलों की सीमाओं को तोड़कर, वैचारिक सीमाओं को, सब धार्मिक मंदिरों को छोड़ के लोगों ने बहुत भरोसे के साथ यहाँ पर पार्टी को जिताया है। हम लोग भी बिल्कुल सजग होकर चिंता के साथ कोई गलती नहीं होना चाहिए, समाज में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए और यथासंभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मतलब बेहतर तरीके से यहाँ पर काम चलते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है मैंने पहले भी कहा था, आप सबकी संतुष्टि जो है वो हमारे लिए बहुत
सर्वोपरि है। आप में असंतोष है तो विकास की कोई कीमत नहीं उसकी अगर आपके घर में संतुष्टि का भाव नहीं हुआ। इसलिए सब बहुत अच्छे तरीके से सब काम कर रहे हैं। तो गारा शहर भी इस पर भी हम लोग अभी 25 साल बाद लोगों को गाटर वाला शहर कैसा चाहिए उस पर हम लोग आज काम कर रहे हैं कि 25 वर्षों के बाद गाटर वाला को तो जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी हमारा प्रयास है कि हम इन्हीं 5 सालों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दें शहर को कि 25 साल में भी आपको समस्या ना आए, 25 साल बाद भी शहर ये रहने के लायक रहे, सुविधाजनक रहे। लेकिन उनके दिल के व्यक्तिगत उद्गार थे कि हमारा सम्मान नहीं वास्तविकता में तो सम्मान के हकदार आप लोग हैं। ऐसी मानसिकता लेकर चलना बहुत बड़े दिल के व्यक्ति की बात होती है। क्योंकि राजनीति में माला पहनना एक फैशन होता है। जब तक नेता दिन भर में 100-200 मालाएं नहीं पहन लेता उसकी भूख खत्म नहीं होती है। लेकिन राव उदय प्रताप जी बहुत सहज सरल और स्पष्ट हैं। यह हमारा आपका सौभाग्य है। 3 बार के सांसद, ये गाड़ा वाला विधानसभा का सौभाग्य है। इतना अनुभवी नेता हमको भारतीय जनता पार्टी ने दिया जो 3 बार के सांसद हैं। सांसद के अंडर में 8 विधानसभाएं होती हैं। जब कुछ सांसद को जब विधायक का चुनाव लड़ाया जाता है तो पूरा भविष्य ऐसा लगता है जैसे हम आज से फर्श पर आ रहे हैं। बहुत कठिन होता है विधानसभा का चुनाव, लेकिन पार्टी ने आदेश दिया राव साहब विधानसभा चुनाव के लिए आप सबके आशीर्वाद से कमर कस ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए चलते चुनाव में उन्होंने कहा चीचली में कि हम लोग केंद्र से ऐसे ही नहीं भेज रहे थे, बहुत अच्छा होगा आप चुनाव जिताइए। अध्यक्ष जी ने अपनी बात, आपने चुनाव जिताया, उन्होंने अपनी बात पूरी की। आज मध्य प्रदेश सरकार में राव साहब मंत्री हैं। मंत्री और जनप्रतिनिधि के अपने क्षेत्र के लिए क्या दायित्व होते हैं, हमने 4 महीनों में बड़ी तन्मयता से देखा और समझा। किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा? आभार व्यक्त करने मैं श्री प्रमोद जी चौकसे को आमंत्रित करूंगा कि ये एसोसिएशन की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करें। उसके पूर्व मैं चूंकि मालपानी परिसर में कार्यक्रम आयोजित है तो भाई गोपन जी मालपानी, लोकेश जी मालपानी, प्रतीक जी, प्रशांत जी आप ध्यान रखेंगे नरेंद्र काका के साथ की कोई भी अतिथि इस विठल भवन प्रांगण में हमारे बीच और हम तो ये कहेंगे कि अब जैसा कि भैया ने कहा कि हम गाटरवाला के हो गए तो निश्चित इस गाटरवाला में 70 साल में एक ऐसा हमको फूल कमल फूल जो वाकई में हम तो ये चाहेंगे वो एक जो अद्भुत कमल जो 2400 वार्ड में गाटरवाला ने खेला के दिया और भैया ने भी उसी भावना से इस नगर की इतने कम समय में इतनी ज्यादा उपलब्धियों के साथ गाटरवाला नगर को सौगात दी। मैं हृदय से उनके लिए धन्यवाद कहता हूँ। एक शेर है, जहमत उठाकर आप जो तहजीब लाए हैं फूलों की क्या विशाल हमने आपको ये पहचान।
छाया है और ऐसा स्नेह और सहयोग का भाव आपका हम सब व्यापारियों और नगर के लिए सदा बना रहे, इसी अपेक्षा हम आदरणीय उदय भैया से रखते हैं। और उनकी तो बहुत क्या तारीफ करें, जिस वक्त जो भी काम हमने उनके लिए छोटे छोटे काम के लिए कहा, उन्होंने शहर के पूरे जिले के लिए उन्होंने बहुत काम किए। ऐसे उदय भैया का हम सहृदय से धन्यवाद करते हैं। भगवान की कृपा और माँ नर्मदा की कृपा इस क्षेत्र पर बनी रहे। एक चीज और उनसे कहना चाहते हैं कि ये जिला एक जिला एक उत्पाद के नाम से फेमस है, जिसमें तुअर दाल का एक बड़ा विशिष्ट इधर क्षेत्र में रहता है हमारा जिला, और हम उस जिले के उत्पाद को पूरे देश में फैलाए, उसके लिए भैया का सहयोग भी रहेगा, मध्य प्रदेश सरकार का भी सहयोग रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। विट्ठल भवन में आज ग्रैन मर्चेंट एसोसिएशन दाल मिल के द्वारा कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया, कैसा का कार्यक्रम रहा कीर्ति जी? बहुत अद्भुत अभूतपूर्व। सम्मानीय मंत्री जी ने हम लोगों को समय दिया और वो जो क्षेत्र के लिए विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापारी के हितों की रक्षा कर रहे हैं, आमजनों के हितों की रक्षा कर रहा है, ये सम्मान इसीलिए उनको किया गया। ये उनका बड़प्पन है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, इस सम्मान के भी योग्य नहीं हो आप लोग, मगर उनका कार्य क्षमता देखते हुए हम लोगों को गाडरवारा का बहुत सुनहरा भविष्य दिख रहा है, इसलिए एसोसिएशन के सभी सदस्यों की मंशा के अनुरूप उनका सम्मान किया और सभी को बहुत अच्छा लगा, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। महेश मालपानी, आपने कार्यक्रम का संचालन किया, जिले के सारे व्यापारी इस कार्यक्रम में पधारे, कैसी क्या अनुभूति हो रही है? हम सही मायने में बताएं तो आज़ादी की बात ये पहला अवसर है कि गाडरवारा विधानसभा को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। किसी विधानसभा को मंत्री मिलना, एक योग्य मंत्री मिलना क्या होता है, ये हमने इन 3 महीनों में जान लिया है। विकास की बुलेट ट्रेन पर बैठ गया है गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र, इससे हम अभिभूत थे। हम चाहते थे कि हमारे ऐसे लाल योग्य विधायक का हम प्रदेश के मंत्री का हम हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें, और सारे व्यापारियों की भावना थी, हर व्यापारी की भावना ऐसी थी, इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया। 57,000 वोटों की जीत ये बताती है कि लोगों ने अपना धर्म, विचारधारा, संप्रदायवाद, हर चीज़ को ताक पर रख के उन्हें जिताया था, तो उनका सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात थी, तो हम लोग वो आज कार्य किया। व्यापारियों की तरफ से ऐसे कोई मांग की गई है? व्यापारियों की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई। आज अभिनंदन का दिन था और ऐसा योग्य मंत्री जो बगैर मांगे ही सब कुछ देखा है और दे रहा है, उससे क्या मांग करना। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।